धूली के साथ बदलते भारत की शान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूँ आपके साथ मोनालिसा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के अलग अलग गांव का दौरा करते हैं और वहां पर चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का हाल जानने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम दिल्ली के उजवा में मौजूद है, जहाँ की कृषि विज्ञान वो इस समय हमारे साथ होंगे, जिनसे हम सरकारी योजनाओं के बारे में उनके अनुभव को जानेंगे और किस तरह से ये योजनाएं उनके लिए लाभकारी साबित हो रही है इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए रुख करते हैं यहाँ का। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची किसान समूह उजवा कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर चौपाल हमारी लग चुकी है और बहुत सारे किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी किसान दिल्ली के उजवा स्थित गांव के किसान हैं, के अनुभवों के बारे में जानेंगे, सरकारी योजनाओं के हाल के बारे में जानेंगे। तो आइए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर किसानों से हम योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी हमारे विशेषज्ञ मेहमान का। आइए उनका परिचय हम सबसे पहले जान लेते हैं। कृपया सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दें। डॉक्टर राकेश कुमार भगवानी। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो किस तरह से किसानों के लिए। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि पहले क्या होता था कि किसान का कोई भी जैसे मौसम का हो या अन्य प्रकृति के प्रकोप से जो हमारे फसल का नुकसान होता था, उससे किसान को बचने के लिए जो फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना दो तरीके से सरकार द्वारा है और सब्जियों वाली फसलों पे अलग है। तो सब्जियों दर होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इनके सब्जियों के जो उत्पादन होते हैं वो भी अधिक होता है और इसकी कीमत भी अधिक होते हैं, तो इसलिए उसके प्रीमियम को ज्यादा देना पड़ता है। तो ये जो फसल बीमा योजना है, क्योंकि किसानों का जो भी हमारा फसल होता था नुकसान होने की अवस्था में किसानों के पास कोई चारा नहीं रह जाता जिससे कि उसके नुकसान की भरपाई की जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फसल बीमा योजना का ये संचालन शुरू किया जिससे कि किसानों को विपरीत परिस्थिति में उसको मदद मिल सके। तो अभी हमने विशेषज्ञ मेहमान से बातचीत की और योजना का एक संक्षिप्त परिचय हमें यहाँ पर मिला है। अब हम किसानों का रुख करते हैं और जानते हैं कि योजना के बारे में उनकी क्या राय है, उनके अनुभव क्या है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं किसानों से। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। अतर सिंह नाम है, जाफरपुर मेरा गाँव है जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है, आपकी क्या राय है। ये भी एक बहुत अच्छी स्टेप है प्रधानमंत्री का, और इस तरह का स्टेप उठाने में पहले ऐसा नहीं उठाया लेकिन आज उठाया गया है। ये हमारे किसानों के हक में इसलिए है कि हमारे किसान लोग इससे पहले फसल खराब हो गई या मर गई या कुछ हो गया तो ज़्यादातर वो क्या करते थे कि फसल के साथ साथ अपने आप को भी मानते थे कि हम भी मर गए, अब हम खत्म हो गए, क्योंकि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, निराशा का भाव आता था। तो इसका आने से अब किसानों में एक जागरूकता आ गई कि हमारे लिए कुछ ना कुछ अब तैयार है, कुछ मिलेगा, हम खत्म नहीं हुए, हमारे लिए कुछ चीजें
बची हुई है, तो इसका बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है और ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसको जो है अभी हमारे इस क्षेत्र में जो है कम है, क्योंकि ज्यादा इधर ना ही बताई गई है ना कोई इधर आई है, किसानों के लेवल पर नहीं आई है। बाकी वैसे इस स्कीम को हर जगह टीवी न्यूज सब जगह इसको एक स्पॉन्सर हो चुकी है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी किसानों के पास इसका कोई प्रयोजन नहीं है। आइए कुछ और किसानों का रुख करते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पे और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मैं हवा सिंह मित्रा, गांव है मेरा जी। हवा सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? फसल बीमा योजना एक तो किसानों के लिए अच्छी खबर है और अच्छा ही काम है, लेकिन दिल्ली में ये लागू नहीं है तो इसलिए हमें ज्यादा तो इसका लाभ नहीं मिला है, लेकिन और अपने उनसे पता लगा कि भाई वे बिल्कुल खुशहाल हैं इन चीजों से, उनका नुकसान कम हुआ जी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आइए देखते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को काफी सुविधाएं दे रही है, खास तौर से प्रीमियम दर काफी कम है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को महज 2% प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% रखी गई है, बाकी रकम सरकार वहन करेगी। खरीफ की जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोठ और मूंगफली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक बहुत से जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपने फसलों का बीमा कराया है और आप प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से फसल नहीं बो पाए या फसल में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी बीमा भुगतान का दावा किया जा सकता है। खड़ी फसलों में भी सूखा या बाढ़ की स्थिति में आका ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी आप दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। पिछले खरीफ सीजन की बात करें तो कुल 4,15,40,000 किसानों ने 3,23,20,000 हेक्टेयर फसलों का बीमा कराया था। आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ सीजन में बीमा कराने वाले किसानों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। चौपाल चर्चा सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और हम दिल्ली के उजवा स्थित गांव में मौजूद हैं। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को जारी रखते हैं।
आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और भी किसानों से बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम हमें यहाँ बताएं। सतीश डागर हूं, मुझे गांव से। जी सतीश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, क्या है आपका अनुभव और किस तरह से आप समझते हैं कि ये योजना फायदेमंद है? योजना फायदेमंद इसलिए जो किसान नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो जाती है, उसको जो लगातार उसकी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो जाती है, उसका ये फायदा है उसका। जी जी, और किस तरह से जब प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या समस्या आती है किसानों के सामने और किस तरह उनको लाभ होता है, अगर कुछ और आप बताना चाहें इसके बारे में? इसमें ज्यादा ये होता है कि ये ओलावृष्टि ज्यादा खराब होती है हमारी दिनचर्य में। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे। मैं रविंद्र नीलवाल गांव से। जी रविंद्र जी, हमें ये बताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि किसानों को आपको क्या लगता है कि ये योजना किस तरह से फायदा पहुंचाती है? जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती तो उससे बचाव हो जाता है, या कभी किसी बीमारी का अटैक हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, या ओले हो गए, बारिश ज्यादा होगी, बाढ़ होगी, तो उनसे बचाव हो जाता है। किसान निश्चित रहता है कि अगर मैंने खर्चा किया तो कुछ ना कुछ उसका मुझे मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये योजना यही आश्वासन देती है कि आपको एक एटलीस्ट इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ और किसानों का रुख कर ले यहाँ पर। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। राकेश कुमार गांव से। हम जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, क्या कहता है आपका अनुभव? मेरा अनुभव ये कहता है जी, कई बार फसल खराब हो जाती है बाढ़ की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, तो उसका मुआवजा मिल जाता है, वो अपने बच्चों का भरण पोषण। बीमा योजना में जो बदलाव किए गए हैं वो बहुत ही कम प्रीमियम रखी गई है, अब तो योजना में समय समय पर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बदलाव भी किया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, बदलाव किए जाते हैं और ये ठीक है किसानों के लिए। जी चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किसानों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी, इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुई तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए।
भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांव तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलियान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और हम दिल्ली के उज्जवल स्थित गांव में मौजूद है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को जारी रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम जानेंगे। मेरा नाम भीम सिंह, गांव सारंगपुर जी। ये बताइए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में ये योजना कितनी प्रभावी है? हमारे क्षेत्र में अभी ये योजना चालू नहीं हुई है, हालांकि जो हम सुन रहे हैं उससे अगर कोई ओलावृष्टि या प्राकृतिक कोई आपदा होती है तो उसमें उसकी किसान को कुछ भरपाई हो जाती है। जी जी, अभी हमारे क्षेत्र में है नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं इनसे। आप कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन त्यागी, गांव जटीकड़ा जी, दिल्ली से। पवन जी, हमें बताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अपना अनुभव। मैडम, अभी जो हमें जो अभी ये फसल सुनने में जा रहा है, ये अच्छी योजना है, लेकिन अभी हमारे यहाँ ये पूरी तरह से लागू नहीं है। लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है, इसकी जानकारी लोगों के तक अभी नहीं है इसके बारे में। वैसे जैसे सुनने में आ रहा है जो वो अच्छी योजना है, अगर जो इसको लागू होगी तो इसका लाभ किसानों को जरूर मिलेगा।
जी कृपया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास रागर है, मैं मलिकपुर गांव से। जी विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, बताइए क्या जानकारी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मतलब है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, कोई भी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्रॉप खराब हो जाती है। एक्चुअली मैं IMD मौसम विभाग में मैंने थोड़े टाइम काम किया था, वहाँ पे फसल स्कीम के अंदर मैंने काम किया था, जो ये काम करते हैं जो बीमा प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये सारा स्टैटिकल फॉर्म्स पे काम होता है कि आपके जितने वेरिएबल्स होते हैं, कैसे कैसे चीजें आपकी कलेक्ट होती है, जो डेटा होता है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट के मॉडल्स रन होते हैं, उनके बेसिस पे डिजाइन होता है कि इस एरिया में इतनी फसल निकलने वाली है, उसके बेसिस पे वो डायनेमिक जो होता है डायनेमिक लोन्स और जो EMIs होती है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर ये है कि अगर हमें यहाँ पे अगर कुछ हर एकड़ की अलग अलग एवरेज आती है तो उसके बेसिस पे बीमा प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो हर मतलब अगर जो भी डिजास्टर है उसके बेसिस पे डिफरेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं बैक एंड पे फार्मर को सपोर्ट करती है कि अगर किसी भी क्राइसिस के टाइम पे उसे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है। जी, तो इस चौपाल में हमने काफी किसानों से बात की, विशेषज्ञ मेहमान से भी बात की, और दिल्ली स्थित उजवा के इस गांव में हमने जो विकास की जो योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं, उसके बारे में बात की और जाना इस योजना का हाल, और उस पर किसानों के अनुभवों को भी हमने यहाँ पर जाना। साफ तौर पर जो सभी किसान है वो मानते हैं कि जो योजना है बहुत ही लाभकारी है और उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बहरहाल इसी के साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे देश के किसी और कोने से, देश के किसी और गांव से, और वहां भी करेंगे किसानों से बातचीत और जानेंगे वहां पर चलाई जा रही योजनाओं का हाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।